जा रहे इसकोन, हम स्पीड ऑफ लाइट में मंदिर जा रहे हैं। बहुत अच्छी वाइब आ रही है मंदिर में आगे। और क्या, सारा खा दूंगी मैं। यहाँ पे ना जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट गीता है वो बड़ी हुई। युगल जोड़ी के साथ में स्कूल में पूजा होती है। हरी बोल। तो अभी बहुत भूख लग रही है। यहाँ पे एक टीका भी लगता है, आपने देखा होगा। यहाँ पे एक उर्दपुंग, क्या बोलते हैं, उर्दपुंग, ठीक है। तो जो भी बोलते हैं हाँ, उर्दपुंग टीका। तो उसके लिए ना मैंने पूछा कि मुझे भी लगाना है, तो वो बोलते हैं कि बेटा वो ऐसे नहीं लगता, उसके लिए आपको चार चीजों का पालन करना होता है। कि आपको कॉफी नहीं पीनी, कॉफी चाय नहीं पीनी, लहसुन प्याज नहीं खाना, मांस मछली नहीं खाना, और साथ में एक और क्या था, मतलब किसी को, लड़की को देख के गलत विचार नहीं आना, मतलब किसी को देख के गलत विचार नहीं, मतलब एक एक ही इंसान के साथ आपको रहना होता है पर्टिकुलरली, जो मतलब है उनका, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, एक इंसान के साथ ही रहना है। तो ये चीज़ है, इसलिए वो टीका उनको ही लगता है। तो अब हम लहसुन प्याज तो खाते हैं, इसलिए हम टीका तो लगा नहीं सकते, ठीक है। तो अब मैं आपको मंदिर दिखाती हूँ, हम जल्दी जल्दी में आए थे तो मेरे को मंदिर नहीं दिखाया था, तो अब मंदिर दिखाती हूँ और फिर आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। इधर किधर है? अच्छा ये रही। ओ वाओ, ये तो बहुत अच्छा बना हुआ है। वाओ, दिखाओ उधर, उधर से ज्यादा अच्छा व्यू आएगा। नहीं उधर चलते हैं, उधर से ज्यादा अच्छा व्यू आएगा। ओ वाओ, क्या जगह, क्या कितना सुंदर पीसफुल बनाया। यहाँ पे फुहारे वगैरह, पूरे फुहारे निकलते हैं इधर से जब जन्माष्टमी होती है, पूरा पानी से भरा रहता है, कचरा कचरा। ओके, लाइट शो होता है। तो यहाँ पे ना पहली गिरी है। भगवान जी क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पे ना कृष्ण जी लीला कर रहे हैं, और यहाँ पे जब वासुकी ने पूरे नंदी गांव जो था जहाँ पे कृष्ण जी रहते थे, वहाँ पे तालाब में पानी में पूरा जहर नहीं फैला दिया था, तब कृष्ण जी ने अपनी लीला दिखाई थी और उसे मार दिया था। तो ये वो वाली लीला कर रहे हैं। और यहाँ पे ना पानी का पूरा तालाब बना हुआ है, और अगर यहाँ पे आप कॉइन फेंको तो आपकी इच्छा पूरी होती है, इसलिए मैं अभी फेंक रही हूँ। हरी बोल। तूने तो फेंका ही नहीं रोहन। अभी हम लोग अंदर ऑडिटोरियम में आए हैं, और यहाँ पे कृष्ण जी की मूर्तियाँ हैं, मतलब खरीद सकते हैं कुछ भी। कपड़े भी इधर कृष्ण भगवान के सारे, हाँ ये सारे कृष्ण भगवान जी के लहंगे हैं, और यहाँ पर ये मूर्तिज भी हैं, तो आप कुछ भी खरीद सकते हो, यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। तो मैंने यहाँ पे कपड़ों का रेट देखा है, और यहाँ पे सिर्फ 290 रुपये की इतनी अच्छी स्कर्ट मिल रही है, सिर्फ 290 रुपये की। तो यहाँ पे सामान महंगा नहीं है, तो आप मंदिर में सामान सस्ता मिल जाएगा आपको। कहीं भी जाएगी इसका सरोजिनी नगर वाला खत्म नहीं होगा। बोला कपड़े दिखाना ही है तुम लोगों को हमेशा। यहाँ पे लिखा हुआ अगर आप 500 का सामान खरीदोगे तो आपको कैलेंडर फ्री। अगर आपको कैलेंडर चाहिए ना तो यहाँ से 500 का सामान खरीदो, ये मिलेगा। इतना ऊंचा बोल रहा जैसे घर में बैठा हुआ है। हम लोग देख रहे हैं मंदिर कितना बड़ा है, और इस तरफ से हम यहाँ पे कोई प्रदर्शनी ग्रह भी चल रहा है, प्रदर्शनी ग्रह चल रहा है। गाइस यहाँ पे लिखा है, सॉरी मैंने वर्ड्स गलत कर दिए, यहाँ लिखा प्रदर्शनी अतिथि ग्रह है। तो यहाँ पे गेस्ट हाउस भी बना हुआ है, वैदिक गेस्ट हाउस, जो मतलब जो टीका लगाते हैं सिर्फ उनके लिए ही होगा मेरे हिसाब से। तो और यहाँ पे शो वगैरह भी कोई है जिसकी 150 रुपये की टिकट है, और वहाँ शूट भी करने नहीं देते।
तो इसलिए अब हम फिलहाल तो नहीं जा रहे हैं, फिलहाल तो नहीं जा रहे हैं, कभी और जाना, नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे, फिर जाएंगे, फिर जाएंगे। और फिलहाल यहाँ पे ना जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट गीता है वो बड़ी हुई है, तो चलो चल के हम देखते हैं साथ में, मैंने कभी भी नहीं देखी, तो चलो चलते हैं और बाद में उसकी जो नॉलेज है वो भी बताएंगे। इतना नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट करी थी यहाँ पे आके, तो बनाया भी तो नरेंद्र मोदी जी ने ही था, मेट्रो से आएंगे नरेंद्र मोदी जी और उड़ के आएंगे। और ये रहा, किधर जाना है अब हमें, भगवत गीता कहाँ पढ़ी है? अभी ना हम अंदर जा रहे थे और हम अंदर गए तो प्रभु जी ने हमें बाहर बुला लिया। ये सब इसकी वजह से कहता, पहले जब मैं आया था ना तो मैं देख लिया था बिना पैसों के, अभी 150 चार्जेस ले रहे हैं इसका। हाँ, टिकट ले रहे हैं 150 चार्जेस, तो इतना तो पॉसिबल है हमें, क्योंकि शो तो देखना नहीं है, सिर्फ भगवत गीता के लिए हम 150 यार पहुंचा था। हाँ, और क्या बोलते हैं, यहाँ से बाहर से दिख रहा है शीशे के अंदर से, हम भी देख रहे हैं, आपको भी दिखा देते हैं चालू तरीके से। तो यहाँ पे जो टिकट मिल रही है ना उसका पहला शो ये है कि यहाँ पे बैठे हुए भगवान जी, लक्ष्मी जी और विष्णु जी बैठे हुए हैं आराम करते हुए, फोटो खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। तो ये है यहाँ की भगवत गीता, इतनी बड़ी भगवत गीता, वो मोदी जी आए थे, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था, आपको दिख रहे हो गया, लिखा भी हुआ है भगवत गीता एज क्या, एज इट इज, एज इट इज, जैसे है वैसे ही, हाँ, कोई बदलाव नहीं किया, इतनी बड़ी भगवत गीता है। अभी हमारी क्लिप शूट नहीं हुई है और यहाँ पे हम मजे कर रहे हैं, और ये वहाँ पे पसरा हुआ था आराम से, ऐसे वो इतना सा सीन था, शूट हो रहा है क्या। तब हम पूछते पूछते रेस्टोरेंट पहुँचे हैं और इसको पता ही नहीं है, कहता मुझे पता मैंने कभी इतना खाया नहीं मैंने इधर कभी है। तो अभी ये रेस्टोरेंट ना बिल्कुल आप गेट से अंदर आते हो तो उसी की लेफ्ट साइड पे बना हुआ है, हमने आते हुए भी ध्यान में दिया, बिंदास रेस्टोरेंट नाम है। हाँ, अच्छा, तो गाइस हमने एक सेकंड में सब कुछ खा लिया, हमारे साथ बहुत धक्का हुआ है वहाँ पे, आज इनका कुछ अलग ही सिस्टम चल रहा है, आज थाली का सिस्टम नहीं, कहते हैं बफे का सिस्टम है और 600 प्लस टैक्सेस उसके चार्जेस है, तो हम यहाँ पे 600 प्लस 700-800 रुपये इनका बिल होगा, कौन अटने की थाली खाएगा, अब वो भी दो बंदे कभी भी नहीं खा सकते, बफे या फैमिली के साथ आओ खाओ, ये तो अलग ही सिस्टम कर दिया, आज हमारे साथ बहुत धक्का हुआ है। यहाँ पे टीवी लगी है, कोई बोर हो रहा है ना तो यहाँ पे आके बैठ जाओ, बस यही रह गया यहाँ पे करने के लिए, और यहाँ पे ये शो होता है इसकी, ये ऐसे ऐसे बना हुआ है बस। तो जो ये पीछे वाली जगह है ना, यहाँ पे शाम को खिचड़ी मिलती है, जिसको खिचड़ी खानी हो आ जाओ, 7 बजे आओ, खिचड़ी खाओ, बार बार लो। क्या कर लो? बार बार लो। अच्छा, बार बार इसने खाई है, इसका आदत है, यहाँ पे खिचड़ी खाता था, खाते रहता था, खाते रहता और फिर पेट भरा, फिर घर चला। तो अभी बहुत भूख लग रही है, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह ज्यादा हो गया, ओवर एक्टिंग नहीं, बहुत भूख लग रही है। नहीं, भूख सच में बहुत लग रही है। और यहाँ पे पीछे गोविंदा स्नैक्स और गोविंदा जलपान के नाम से बना हुआ है, और यहाँ पे अभी हम खाते हैं, क्या खाने वाला है तू बता, चल देखते हैं क्या क्या, पहले देखते हैं क्या क्या, अभी इसमें से हम सब कुछ खाएंगे, कुछ हाँ हाँ, बस बहुत बहुत ज्यादा है ना, बहुत पैसे है इसकी जेब में, तो ये सारा मेन्यू कवर करना, और इतना तो भूख भी नहीं है जितनी खाएगा ये, और ये सारा फास्ट का मेन्यू भी है यहाँ पे, अब जिसका फास्ट हो वो भी यहाँ पे आके खा सकते हैं, बाकी ये सारा स्वीट्स का सेक्शन है, बहुत सारी स्वीट्स है यहाँ पे, लॉट्स ऑफ स्वीट्स। एक बर्तन वाली थाली दे दो, एक ग्रिल सैंडविच किसको देना है? अच्छा, उधर है हमारी पोपट हो गया। एक वर्त वाली थाली फुल 100 रुपीज़ वाली, एक ग्रिल्ड सैंडविच, फ्रूट पेस्ट्री कर दो और एक रसमलाई दे दो भैया, एक पूरी सब्जी विद खीर की थाली है ये पढ़ लो, बाकी तो अंदर का सामान है। एकदम से भीड़ कितनी खाली होगी ना, कोई भी नहीं। और क्या, सारा खा लूंगी मैं, अकेले खाएगी, बेबी खाऊंगा, बहुत भूख लगी है मेरे को, ठंडी ठंडी मजा आता है। और भैया ने हमें बोला है
कि आप दोबारा भी ले सकते हो खीर, खीर दोबारा भी ले और लेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो अभी हम लोगों ने पेट भर के इतना सारा खाना खाया, अब तो मुझे लग रहा है बस बहुत पेट फट के खाना यहाँ तक है मेरा तो। और ना हम लोगों ने, हमारा बिल सिर्फ 200 रुपए का था, हमने 200 रुपए में इतना सब कुछ खाया और पूरा पेट भर गया। मजा आ गया। तुझे मजा आया खाना खा के? मुझे तो बहुत मजा आया, ठीक है। और मतलब ऐसी जगह पे आओगे तो इतना कहीं घूमने फिरने निकलो तो 200 रुपए तो कोई चीज मायने नहीं रखती। हाँ, और ना खाना पूरा वर्थ वाला था, और देसी घी से पूड़ियाँ बनती हैं, सब कुछ जो भी था, और साबुदाने की खिचड़ी थी साथ में। सबसे बेस्ट जो थी ना वो रसमलाई थी, पर रसमलाई तो व्रत में खा नहीं सकते। साबुदाने की खिचड़ी मिलती है मीठे में, और आलू की सब्जी थी और पूड़ी थी, और क्या लिया था हमने, एक पेस्ट्री वाली पेस्ट्री ली थी, बड़ी स्वाद थी, मज़ा आ गया हमें पेस्ट्री खा के। और अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं वापस, वो रहा एग्जिट गेट, और मुझे बहुत मज़ा आया। पहली बार मैं मंदिर आई थी, तो आप लोग भी ज़रूर आना एक बार, और फिर ना मुझे बताना कि आप लोग को कैसा लगा मंदिर, या आप कहीं बाहर से घूमने आते हो तो भी आप इस प्लेस को ज़रूर विज़िट करना। तो ठीक है, फिर इस व्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट, गुड मॉर्निंग जब भी आप देख रहे हो। सब्सक्राइब कर देना चैनल को। हाँ, और गाइस मैं तो भूल ही गई, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आप इस तरीके के और व्लॉग्स देखना चाहते हैं। कमेंट्स करा करो, देखते हो तो वीडियो को। हाँ, आप कमेंट करके बताते नहीं आपको कैसे लगा, कोई सीन अच्छा लगा हो, कुछ मजा आया हो तो आप बताना करो। हाँ, जरूर बताना, ठीक है। तो ठीक है, फिर अब हम जा रहे हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। दो बार एंडिंग कर दी है। साथ में खड़ा तूने तो भैया की बांसुरी खराब कर दी। ये वाला जो भैया बांसुरी बजा रहे थे, ये गाना है वो वाला। अरे भैया मंदिर के बाहर होते हैं बांसुरी लेके, अंदर बांसुरी भी चढ़ा सकते हो, भगवान आप बांसुरी खींच सकते हो और बजा भी सकते हो। हाँ, मैं सिखा भी सकता हूँ। मैं सिखाता भी हूँ बांसुरी, ठीक है। जिसको सीखना हो मेरे से कंपर्स करें, ये मैं कृष्णा जी का मंदिर है, हरे कृष्णा मंदिर है, हम सिखाते हैं। जी भैया आपको बाहर ही मिल जाएंगे, मंदिर के बाहर ही आपको मिलेंगे, ठीक है। चलो ठीक है भैया, थैंक यू। थैंक यू सो मच।